रोते हुए रोहित को पास आकर बोले, सचिन शर्मा जी मत भारी करो मन। जी हाँ दोस्तों, आज रोहित शर्मा के लिए सचिन तेंदुलकर ने दिल जीतने वाला काम किया। शायद आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा का मुंबई इंडियंस के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आखिरी मुकाबला था। रोहित शर्मा ने जिस टीम 5 बार चैंपियन बनाया और आगे ले जाने का सपना सजाया, जिस टीम को वो अपने परिवार की तरह देखते थे, आज उसी टीम के लिए रोहित शर्मा आखिरी बार खेल रहे थे और आखिरी मैच में रोहित ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 68 रन बनाए, लेकिन मैच नहीं जिता सके। मैच के बाद रोहित शर्मा को काफी भावुक हो गए थे। जिस टीम के लिए रोहित शर्मा ने लगातार 13 साल मेहनत की, उस टीम की मैनेजमेंट की गलत नीतियों के कारण अब उन्हें टीम छोड़नी पड़ रही है। शायद इसी बात ने रोहित को काफी भावुक कर दिया। मैच के बाद जब वो मैदान पर रोते हुए दिखाई दिए, जब सचिन तेंदुलकर ने रोहित को उदास देखा तो वो तुरंत ही उनके पास आए और उन्हें ढांढस बंधाते हुए नजर आए। तेंदुलकर जानते हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा कितने अहम खिलाड़ी हैं। मुंबई की मैनेजमेंट बेशक रोहित शर्मा के योगदान को भूल गई हो, लेकिन सचिन इस बात को बखूबी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर के इस व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया। दोस्तों, क्या रोहित शर्मा सच में मुंबई इंडियंस को छोड़ देंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।